आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिप्टो के बारे में, और बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी आती है टॉप 10 के अंदर आती है और बहुत सारे लोगों के पास इसकी होल्डिंग्स होंगी। बिल्कुल, क्योंकि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, 100 पे ही फोकस रहता है बहुत सारे लोगों का कि अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को वो खरीद के रख लें। लेकिन आपको रियलिटी के साथ बात करेंगे, क्यों? क्योंकि रियलिटी पे बात करना ज़रूरी है। अगला बुलरन आने वाला है और अगले बुलरन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है। देखो, अगले बुलरन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा कॉइन कितना बड़ा पंप करेगा या नहीं करेगा या ठीक ठाक करेगा, ये एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मार्केट के सेंटीमेंट्स इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि किस क्रिप्टो का क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शन सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, ठीक है। तो आज हम जिस क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं वो है ADA Cardano। ADA Cardano एक ऐसी क्रिप्टो, एक ऐसा कॉइन जो आज की डेट में आप देख लो बिल्कुल लो लेवल पर है। सिर्फ कार्डेनो की बात नहीं है, टॉप 10 का ये कॉइन नहीं है, आप टॉप 20 में देख लो, 30 में, 50 में, 100 में कॉइन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात कि ये टॉप 10 में आता है और इसकी जो मार्केट कैप है वो $8 बिलियन की है। $8 बिलियन से भी ज़्यादा इस टाइम पे कार्डेनो में लगे हुए हैं और पिछले 2 साल से, सितंबर 2021, जहाँ अक्टूबर नवंबर में बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया था, नया ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में, ठीक है, इसने एक महीने पहले ही बना दिया था सितंबर में जो कार्डेनो की पीक गई थी वो थी $3.1 की, मतलब $3.1 का ऑल टाइम हाई है कार्डेनो का। अब बहुत सारी क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, ये तो हम कह ही नहीं रहे कि सिर्फ कार्डेनो की बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारी क्रिप्टो हैं, लेकिन ये टॉप 10 में आता है, बहुत सारी टॉप 10 में नहीं आती है। टॉप 10 के कॉइन्स बहुत सारे अपने फ्लॉप होते भी देखे हैं, टेरा लूना क्रैश हो गई, ठीक है, सोलाना भी क्रैश हुई थी नवंबर 2022 में, बाहर निकल गई थी टॉप 10 से, फिर से वापस आ गई है, नो डाउट, रिकवरी भी बड़ी ज़बरदस्त दिखी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स, पोलका डॉट की बात करूँ, एक टाइम में ये भी टॉप 10 पे थी, आज ये भी पीछे हुई हुई है, इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं है। सिर्फ एक ऐसा क्रिप्टो है जो डॉज कॉइन है जो टॉप 10 में बना हुआ है, उनके साथ इलॉन मस्क हैं डॉज कॉइन के साथ। लेकिन आज हम ADA की बात करेंगे कि ADA को हो क्या गया है, ये जो स्लो स्पीड चल रही है, स्लो भी नहीं, आई थिंक टस से मस भी नहीं हो रहा है कार्डेनो, और 0.25, 0.26 इन्हीं लेवल पे जो है आके टिक गया है कार्डेनो, मतलब इतने लो लेवल आ चुके हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। 20 से 30 रुपए की जो रेंज है इसी रेंज में बना हुआ है कार्डेनो, और ये अब नहीं, बहुत टाइम हो चुका है। बहुत सारी क्रिप्टो हैं जो बिल्कुल पंप नहीं हो रही हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कार्डेनो का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगले बुलरन में बहुत सारे कॉइन्स धोखा भी देंगे, बिल्कुल देंगे, आपको ऐसे ऐसे कॉइन्स भी धोखा दे सकते हैं जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन अच्छी थी कि ये तो ऑल्ट कॉइन अच्छा था और इसी ने अच्छा पंप नहीं किया, लेकिन उसी में कार्डेनो का भी नाम हो सकता है। नो डाउट प्रोजेक्ट अच्छा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो रहे हैं कार्डेनो के ऊपर, कार्डेनो प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छा पैसा लगा हुआ, लेकिन जो सेंटीमेंट है, जो 2 साल से एक नमी चल रही है वो बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल भी एक मंथ भी हमने ऐसा नहीं देखा 2 साल के अंदर, ठीक है, बहुत सारी क्रिप्टो हैं लेकिन 2 साल में इस टॉप 10 की क्रिप्टो में एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई हो या तकरीबन प्राइस डबल भी हुआ हो। अगर प्राइस डबल भी होता है ना और फिर लेवल नीचे आना शुरू हो जाए तो लगता है कि मूवमेंट है, इस कॉइन में जान है, लेकिन कार्डेनो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और यही हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे XRP भी सोया हुआ था लेकिन XRP जागा और अच्छा पंप हुआ, विक्ट्री मिली, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कार्डेनो डेड हो जाएगा या डेड हो गया है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यही हाल रहा तो टॉप 10 से बाहर ज़रूर जा सकता है, और अगर जाता है और सेंटीमेंट बिगड़ते हैं, ठीक है, पंप तो सभी कॉइन में आएगा लेकिन हो सकता है जो बड़े एक्सपेक्टेशन है आपके, या तो $5 या $10 $20 $50,
वो शायद कार्डेनो आपको दिखाने में, मतलब कार्डेनो की ये लेवल देखने में आपको कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, मतलब ये लेवल दिख भी नहीं सकते, ठीक है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझना ज़रूरी है। और दो साल से कार्डेनो की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो भी नहीं कहेंगे, टस से मस नहीं हो रहा है कॉइन, लगातार कंटिन्यू नीचे ही आया है। सितंबर 2021 से चार्ट उठा के देख लो आप, तब से कैंडल्स, मंथली जो कैंडल्स हैं, मंथली कैंडल उठा के देखना, बिल्कुल जैसे गिरता है ना वैसे ही गिर रहा है, और अभी भी बिल्कुल लो लेवल पे है, कोई भी मूवमेंट आ ही नहीं रहा है इस कॉइन में। जब तक इस कॉइन के 0.7, 0.8 या $1 तक लेवल नहीं जाते, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हाँ, अच्छा खासा डिप है, शॉर्ट टर्म में पंप आ सकता है, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं कार्डेनो के, ठीक है। लेकिन जब तक बड़े फ्लक्चुएशन 100-200% की रैली जब तक नहीं आएगी, तब तक कुछ बड़ा चेंज नहीं होने वाला है कार्डेनो में, और वो आनी चाहिए। नहीं तो अगर आप बुलरन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इस कॉइन से अभी फ़िलहाल दूर रहिएगा, ठीक है। हो सकता है बुलरन में कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन इस कॉइन से ना हो, या बड़ा कुछ पंप ये कॉइन ना कर पाए, हज़ारों परसेंट वाला जो पंप है इस कॉइन में देखने को ना मिले। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।